धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। बांग्लादेश को पहले T20 में हराकर भारत ने किया जीत के साथ आगाज। चर्चा में मयंक की रफ्तार। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में युवा भारतीय क्रिकेट टीम ने ग्वालियर में खेले गए पहले T20 मैच में अनुभवी बांग्लादेश की टीम को 7 विकेट से हरा दिया है। भारतीय बल्लेबाजों ने 12 ओवर के अंदर 128 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। हार्दिक पांड्या महज 16 गेंद पर 39 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कप्तान सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन ने 29-29 रनों का योगदान दिया, लेकिन इस जीत की पटकथा तैयार की भारतीय युवा गेंदबाजों ने। अर्शदीप सिंह और 3 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट लिए। अपनी रफ्तार से पहचान बनाने वाले मयंक यादव और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था। दोनों ने ही निराश नहीं किया। 3 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे हो गया है। हर्षदीप सिंह मैन ऑफ द मैच रहे हैं। अब निगाहें 2026 के वर्ल्ड कप पर। दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद से भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट के सबसे छोटे स्वरूप में बदलाव के दौर से गुजर रही है। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव के सामने 2026 में होने वाले T20 विश्व कप के लिए टीम तैयार करने की बड़ी चुनौती है। इस मैच से ऑपरेशन वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई है। T20 विश्व कप विजेता टीम के सिर्फ 3 खिलाड़ी इस मैच में खेल रहे थे। इस मैच में भारत के सबसे तेज गेंदबाज माने जाने वाले मयंक यादव और नीतीश कुमार रेड्डी को अंतर्राष्ट्रीय कैप मिला। मुरली कार्तिक ने मयंक यादव और पार्थिव पटेल ने रेड्डी को कैप पहनाया। रोल्स रॉयस मयंक यादव। 22 साल के मयंक यादव ने इसी साल IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए 150 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से गेंद डालकर तहलका मचा दिया था। लखनऊ सुपर जायंट्स के सहायक कोच जॉन्टी रूट्स कहते हैं कि LSG के पूर्व बॉलिंग कोच मॉनी मार्कल, जो अब भारतीय टीम के बॉलिंग कोच बन चुके हैं, युवा तेज गेंदबाज मयंक से काफी प्रभावित हैं। मार्कल ने टीम का रोल्स रॉयस कहते हैं वो मयंक की तुलना दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज गेंदबाज एलन डोनाल्ड से करते हैं। भारतीय टीम के मौजूदा कोच गंभीर भी लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़े हुए थे। वे मयंक पर पैनी नजर रखे हुए हैं। उनकी निगरानी और मार्गदर्शन में मयंक को अपना करियर आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। फिर बॉलिंग कोच मॉनी मार्केल तो हैं ही। कम ही लोग जानते हैं कि मयंक का जन्म दिल्ली में हुआ है, मगर उनका पुश्तैनी घर बिहार के सुपौल जिले में है। तो गोपालगंज के मुकेश कुमार और रोहतास के आकाशदीप के बाद मयंक बिहार से संबंध रखने वाले मौजूदा दौर के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। कौन है नीतीश कुमार रेड्डी? आंध्र प्रदेश के नीतीश कुमार रेड्डी को भारत के हरफनमौला खिलाड़ियों में अगला बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। नीतीश ने IPL के पिछले सीजन में उप विजेता सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अभी दमदार बल्लेबाजी के कारण रेड्डी ने अपने दूसरे सीजन में उभरते खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। उन्होंने सीजन में 303 रन बनाए। बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच, आखिरी बार जब भारत ने ग्वालियर के माधवराव सिंधिया स्टेडियम में मैच खेला था तब सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक बनाने का कारनामा किया था। 14 साल बाद यहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया। यहाँ की पिच इस बार भी बल्लेबाजी के लिए मददगार कही जा रही थी। भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी और रियान पराग के रूप में 5 ऑलराउंडर शामिल थे। अभिषेक शर्मा और रियान पराग पार्ट टाइम स्पिनर हैं। वनडे और T20 में ऑलराउंडर खिलाड़ियों की भूमिका अहम रहती है। टॉस जीतकर पहले बल्ले गेंदबाजी। टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में लिटन दौस को शॉर्ट कवर पर रिंकू सिंह के हाथों कैच करा दिया। अपने अगले ओवर में पंजाब के गेंदबाज ने दूसरे ओपनर परवेज हुसैन को हार्ड करके बांग्लादेश को दूसरा बड़ा झटका दिया। इन झटकों के बाद मेहमान टीम कभी उभर नहीं पाई। पावर प्ले के बाद स्कोर था 2 विकेट पर 39 रन। 2021 T20 विश्व कप के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे वरुण चक्रवर्ती ने तौहीद हुदाय को 12 रन पर चलता कर दिया। मयंक यादव ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहला ओवर मैडन डाला और दूसरे ओवर में महमूदुल्ला को अपना पहला शिकार बनाया। भारतीय गेंदबाजों ने मेहमान टीम पर जबरदस्त शिकंजा कस रखा था। 10 ओवर में 64 रन बनाया है और आधी टीम पवेलियन थी। जल्दी एक गेंद बाकी रहते बांग्लादेश की टीम 127 रन पर ऑल आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती और हर्षदीप सिंह ने 3-3 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने भी 4 ओवर की गेंदबाजी की और उन्होंने 26 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने 2-2 ओवर डाले, सुंदर को 1 विकेट मिला। मयंक का कारनामा, मेहंदी हसन मिराज 35 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। भारतीय गेंदबाजों ने बल्लेबाजी के अनुकूल माने जाने वाले ट्रैक पर अच्छा प्रदर्शन किया।
मैं यादव ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत करते हुए 4 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट लिए। क्रिकेट के सबसे छोटे स्वरूप में मैडन विकेट डालने वाले मयंक यादव सिर्फ तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। उनकी सबसे तेज गेंद की गति थी 149.9 किलोमीटर प्रति घंटा। 128 रन का लक्ष्य बहुत छोटा था। मैच की पूर्व संध्या पर ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने घोषणा कर दी थी कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पारी की शुरुआत करेंगे। दोनों ने पहले विकेट के लिए 2 ओवर में ही 35-32 रन बना डाले, मगर दूसरे ओवर की अंतिम गेंद अभिषेक 16 रन बनाकर बदकिस्मती से रन आउट हो गए। हालांकि गलती उन्हीं की थी, उन्होंने जबरदस्ती रन चुराने की कोशिश की जबकि रन था ही नहीं। टॉप ऑर्डर का दमदार प्रदर्शन। अभिषेक शर्मा का विकेट खोने के बाद संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव ने 5 ओवर में स्कोर 58 तक पहुंचा दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव को मुस्तफिजुर रहमान ने 29 रन पर आउट कर दिया। सूर्य ने 14 गेंद पर 29 रन की अपनी पारी में 2 चौके और 3 छक्के जमाए। पहले 6 ओवर में भारत ने 2 विकेट खोकर 72 रन बनाए। मेहंदी हसन ने संजू सैमसन का विकेट लिया, उन्होंने भी 29 रन बनाए। 19 गेंद की पारी में 6 चौके मारे। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और हार्दिक पांड्या ने 10 ओवर में स्कोर 106 तक पहुंचा दिया। 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने छक्का जड़कर भारत को 7 विकेट से जीत जला दी। हार्दिक पांड्या ने 16 गेंद पर 39 रनों की नाबाद पारी में 5 चौके और 2 छक्के मारे। ऑपरेशन वर्ल्ड कप की शानदार शुरुआत हो चुकी है और अगला मैच 9 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा। ये थी आप लोगों के पास खबर है, कुछ और खबर भी आप लोगों के पास जल्दी लेकर आता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। भारत की बांग्लादेश पर धमाकेदार जीत क्यों है खास और उतनी ही योगदार। बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में खेला गया टेस्ट मैच भारतीय क्रिकेट की यादगार जीतों में से एक है। अगर मैं टेस्ट मैच की बात करूं तो कहने को तो टेस्ट मैच 5वें दिन खत्म हुआ था, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो रोहित शर्मा उनके साथियों ने महज 2 दिन के खेल में इस मैच को जीत लिया था। आमतौर पर टेस्ट मैच में हर दिन 90 ओवर का खेल निर्धारित होता है और बारिश का व्यवधान रहा तो इसके हिसाब से हर रोज ओवरों की संख्या बढ़ा दी जाती है। पहले दिन सिर्फ 35 ओवर का खेल होने के बाद दूसरे और तीसरे दिन जब एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कई अनुभवी पत्रकार 5वें दिन लंच के समय जबरदस्ती खेल होने और एक नीरस ड्रॉ को लेकर सहमत हो चुके थे। यही वजह रही कि दिल्ली से खासतौर पर इस मैच को कवर करने आए 80% पत्रकार दूसरे तीसरे दिन के बाद जा चुके थे, लेकिन कानपुर में भारत ने मैच जीतकर लगातार 2-0 से लगातार 18वीं टेस्ट सीरीज जीती। मैच में करीब 2 दिन का ही खेल हुआ था, लेकिन ये उनकी गलती नहीं थी क्योंकि 4वें दिन टीम इंडिया ने जो तांडव मचाया उसकी मिसाल भारतीय क्रिकेट में क्या दुनिया भर की क्रिकेट में भी कम देखने को मिलती है। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने 4वें दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर अनौपचारिक बातचीत में कबूल करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं की कि वाकई में उन्हें रोहित शर्मा और उनके साथियों के इस विस्फोटक अंदाज की उम्मीद नहीं थी। भारत की दमदार गेंदबाजी मौजूदा दौर में इंग्लैंड की टीम के बेसबॉल वाले अंदाज की खूब चर्चा होती है, जो टेस्ट क्रिकेट में प्रति ओवर करीब 4.2 की रफ्तार से रन बनाते हैं, लेकिन टीम इंडिया तो 8.22 रन प्रति ओवर की तेजी से रन बनाए। आलम यह रहा कि एक समय इनकी शुरुआती साझेदारी 55 रन का स्ट्राइक रेट 14.64 रहा, जो आपको T20 क्रिकेट में भी अक्सर नहीं देखने को मिलता है। इस मैच को दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों के त्रिमूर्ति के 3-3 विकेट वाले प्रदर्शन के लिए ये शायद खेल पर भी याद ना रखें, जबकि हकीकत यह है कि जिस विकेट पर ना स्पिनर के लिए कोई मदद दिख रही थी और न तेज गेंदबाजों के लिए, वहां जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की तिकड़ी ने कप्तान रोहित को हर समय मुमांगे अंदाज में विकेट दिए। इसे महज इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में शायद पहला मौका है जब ICC की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 अश्विन, नंबर 2 बुमराह और नंबर 6 जडेजा पर भारतीय गेंदबाजों का कब्जा है। इस टिकटी के साथ दो होनहार युवा गेंदबाज मोहम्मद सिराज और आकाशदीप का नाम जोड़ दें तो बांग्लादेश के अच्छे से अच्छे विरोधी पस्त हो जाएंगे। वैसे मौजूदा बांग्लादेशी टीम को आप हल्के में ले रहे हैं तो याद दिलाना लाजमी हो जाता है कि सिर्फ 1 महीने पहले इस टीम ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उन्हें 2-0 से पीटा था। मैच के 4वें दिन 514 गेंद फेंकी गई थी, लेकिन दबदबा सिर्फ एक ही टीम का रहा। पहली पारी में टीम इंडिया ने भले ही कहने को सिर्फ 52 रनों की बढ़त ली, लेकिन यह 52 रन मेहमान टीम के लिए 252 रन से पिछड़ने जैसा एहसास दे गया। इसकी वजह रही रोहित शर्मा की कप्तानी। सबसे पहले अगर रोहित ने 4वें दिन हैरतअंगेज कैच लेकर अपनी टीम के साथ खिलाड़ियों के बीच ऊर्जा का ऐसा संचार किया तो पलक झपकते सिराज ने भी लगभग उतना ही लाजवाब कैच पकड़ा। उसके बाद रोहित और जायसवाल और फिर एक के बाद एक भारतीय गेंद बल्लेबाज ने जिस तरह आक्रामक सोच से बल्लेबाजी की उसकी मिसाल इससे पहले भारतीय क्रिकेट में कभी देखने को नहीं मिली थी। और ये थी बिल्कुल ताज़ा तरीन खबरें आप लोगों के पास, जल्दी लेकर आऊँगा। और खबरें 90.4 MHz कम्युनिटी रेडियो नैनवाड़ी पर। धन्यवाद।